शुगर माफिया ने लगाम, चीनी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। दो रोज में चीनी के 50 किलो पहले की कीमत 400 रुपए तक बढ़ गई। मार्केट में चीनी की कीमत में 20 रुपए से किलो इजाफा। शहरों का आला हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने का मुकालबा। मुल्तान की मार्केट में अद्वियात का बहरान, कई माह से अब अद्वियात गायब, ग्राहक परेशान। दुकानदारों के मुताबिक ट्रैगोल, इंसुलिन और चंद अहम सिरप की सप्लाई नहीं आ रही। किल्लत के बायस इंसुलिन की कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमती मसाइल के बायस कंपनियों की कीमतों को मसाइल का भी सामना है। उधर DHQ अस्पताल मियांवाली में हाइपरिन इंजेक्शन खत्म, गुर्दे के मरीज मुश्किल से दो चार सेहतकार पर इंजेक्शन खरीद कर लगाया जाने लगा। मिट्टी के तेल और लाल डीजल की कीमत में 10 रुपए की लीटर कमी का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार के मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 180 रुपए 29 पैसे से लीटर हो गई। लाल डीजल 174 रुपए 38 पैसे से लीटर का हो गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, LPG की कीमतों में बड़ी कीमत। LPG पे किलो 48 रुपए 77 पैसे सस्ती कर दी गई। नई कीमत 229 पैसे पे किलो मुकर। घरेलू सिलेंडर 5 रुपए 75 पैसे 74 पैसे सस्ता, नई कीमत 2702 रुपए हो गई। कीमतों का इतलाक अप्रैल के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान समेत दीगर अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। हालिया बारिशों से बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लग गई। शहरों ने गर्म कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसानों का भारी माली नुकसान, मकई, चारा और आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा। बारिश ने सभी इलाके जेरे आब, रागियों को मुश्किल दरपेश। नकासियात के नाकिस इंतजाम, पानी घरों में दाखिल, मुताबिक इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। हालिया बारिशों से बहावलपुर में गंदम खरीदारी मुहिम मुतासर, कटाई का अमल रुक गया। सेंटर पर लाई जाने वाली गंदम में नमी का तनासुब 14% तक है। महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम को आरजी तौर पर रोक दिया। उधर सखी सर्वर में काटी गई फसल बारिश की वजह से मुतासर, फसल को खुश करने के बाद थ्रेशर लगाने की हिदायत। जहानिया के करीब लोगरा ताफाने वाल नेशनल हाईवे गहरा सगाव पर गया। ट्रैफिक के दबाव मोटर 20 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा सगाव से मुसाफिर मौजाना तौर पर महफूज। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकरा मुस्तफा मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि सगाव हालिया बारिशों की वजह से पड़ा है, तामीराती काम जारी है।